नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। कुरान पढ़ाने वाले पजश्कान ईरान के राष्ट्रपति बने। इराक से जंग लड़ी, हिजाब का विरोध किया, कट्टरबंधी जलीली को 30 लाख वोट से हराया। एसिड पीड़िता के पिता बोले, मुझे सच जानना है। लखनऊ में बरामद बाइक छात्रा के मौसा के नाम रजिस्टर्ड, आरोपी के खाते में 1.5 लाख रुपए हुए ट्रांसफर। सड़क पर तड़प रहे घायल को चिराग ने पहुंचाया अस्पताल। शेखपुरा में बाइक सवार ने मारी थी टक्कर, बेहतर इलाज के लिए पावापुरी रेफर, हालत गंभीर। आठवले बोले, राहुल गांधी देख रहे थे पीएम बनने का सपना। लखनऊ में कहा, कांग्रेस सपा ने प्रोपेगेंडा फैलाकर वोटर को गुमराह किया। राहुल गांधी के बयान पर नूपुर शर्मा का पलटवार, बोली, अगर हिंदू हिंसक होता है तो हिंदू बेटी की सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी का भाजपा पर तंज। का क्रिकेट टीम को 11 करोड़ देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही, अपनी जेब से पैसा दे सीएम। बजट 23 जुलाई को सीतारमण लगातार सातवीं बार पेश करेंगी बजट, ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में जस्टिस बीबर की परफॉर्मेंस। मुकेश नीता ने स्टेज पर रोहित, सूर्या और हार्दिक को गले लगाया, नाती पोतों के साथ डांस किया। कीमोथेरेपी के बाद हिना खान के शरीर पर पड़े निशान, एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर लिखा, मेरे चेहरे पर निशान नहीं, आंखों में उम्मीद। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई, असम में बाढ़ से 62 मौतें, 22 लाख लोग होंगे प्रभावित। आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।